हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आमना नूर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, कोई भी फैशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग के हाथ कैसे ब्राइट लग सकते हैं, क्लीन कैसे लग सकते हैं और आपके नेल्स कैसे क्लीन लग सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ इसके लिए आप लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक टाल, मैनी पेडिकेट, नेल फाइलर, नेल पेंट और इसके अलावा आप लोगों को चाहिए एक लिक वार्म वाटर से भरा हुआ बाउल। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और 1 टेबल स्पून शैम्पू ऐड करना है। और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। भर भर कर आप लोगों को इसके अंदर विनेगर ऐड करना है। और जब आप ये सब चीज़ें अपने गर्म पानी में डाल चुके हों तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और उसके अंदर अपने हाथों को भिगो लीजिएगा, मतलब डिप कर लीजिएगा अच्छे से। इस स्टेप को कम से कम आप लोगों को 15 मिनट तक करना है। तो 15 मिनट हो गए थे, मैंने मेरे हाथों को निकाल कर अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैं मेरी मैनी पेडिकेट में से ये वाला टूल निकालूंगी और इसको यूज़ करूंगी अपने नेल्स पर, ताकि ये मेरे नेल्स की सारी डर्ट निकाल दे, डेड स्किन निकाल दे और ये मेरे नेल्स क्लीन कर दे। तो मेरा ये स्टेप हो गया था कम्प्लीट। मैंने मेरे दोनों हाथों के नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था और ये बहुत काफ़ी अच्छे लग रहे थे इतने ही। अब मैं अपनी उसी किट में से दूसरा टूल निकालूंगी। ये बहुत ही क्यूट सा टूल है और ये बहुत ही काम का है। तो इसमें अब मैं इससे अपने नेल्स अंदर से क्लीन करूंगी, जो डर्ट भरी हुई है और जो कुछ भी है वो सब क्लीन करेगा ये। और फिर मैं मेरे हैंड्स को उसके अंदर वाटर के अंदर डिप करूँगी और अच्छे से क्लीन करूँगी पूरे हैंड्स अपने। तो ये स्टेप भी हो गया हमारा कम्प्लीट। मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। और अब हम हमारे नेल्स को शेप देंगे। मैं फाइल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो अपने नेल्स कट भी कर सकते हैं और फिर फाइल कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें करना ये है, जो हमारा बचा हुआ सॉल्ट था उसमें हमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है और हमारे नेल्स पर स्क्रबिंग करनी है। नेल्स पर नहीं, उसके ऊपर जो स्किन है जो टैन हो गई है उसको हमें स्क्रब करना है और उसको रिमूव करना है। तो अच्छे से स्क्रब करेंगे नेल्स पर भी और स्किन पर भी, ताकि हमारी टैनिंग रिमूव हो जाए। तो गाइज, इस स्टेप को ज़्यादा घिस घिस कर नहीं करना है, आराम आराम से करना है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। सब कुछ वैसे ही रिमूव हो जाएगा, सारी टैनिंग और डर्ट वगैरह सब वैसे ही रिमूव हो जाएगी। और फिर इसको अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है उसी पानी में। इसके बाद हमें लेना है एक फेस वॉश। आप लोग क्लींजर भी ले सकते हैं, पर मेरे पास क्लींजर नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैं ये फेस वॉश ले रही हूँ। और इससे इसकी हेल्प से अच्छे से अपने हाथ को क्लीन करना है। अच्छे से मसाज कर नेल्स को मसाज करना है, हैंड्स की मसाज कर इसको क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है और फिर अपने हाथों को फिर से एक साफ़ कपड़े की हेल्प से पोंछ लें। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये ऑप्शनल भी है, आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इनकेस आप लोग के पास नहीं हो तो स्किप कर दें, हो तो यूज़ करें। मैं ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, इसको मैं अपने फेस पर भी यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल को, और हैंड्स पर भी यूज़ करती हूँ, मतलब मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो जी, ये तो गया है डन। अब मैं मेरे हैंड्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी, क्योंकि एलोवेरा लगाने के बाद मॉइस्चराइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। और इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मॉइस्चराइज़र स्किप कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज़र स्किप मत करिएगा, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिएगा। ये मत सोचिएगा गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही नहीं, आएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। वेल, हाथ डन हो चुके हैं और आप लोग देख ही सकते हैं हाथों पर कितना अच्छा ग्लो आया है और मेरे हाथ कितने फ्रेश लग रहे हैं। और अब टाइम आ गया है नेल्स को पेंट करने का। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत प्रिटी सा कलर चूज़ करा है, लाइट सा कलर चूज़ करा है मेरे नेल्स को पेंट करने का।
और मैं यहाँ पर नील्स पेंट कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं, तो जी आप लोग देखिए, तो देखिए कैसे करते हैं। और आप लोग हाथों को तो देख ही रहे हैं कितना प्यारा ग्लो आ चुका है। और इसको वीक में एक बार तो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमें हाथों पर ध्यान देते ही नहीं है, सिर्फ फेस को अपन प्रैप कर लेते हैं, हाथों को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं, ना पैरों का ध्यान देते हैं। लेकिन अपने लिए करना चाहिए ताकि आप लोग भी अच्छा फील करें और कोई और देखे तो उसको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए फ़ोन को यूज़ कर रही थी। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।